नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधिका। विधानसभा में बिजली की स्थिति पर सार्थक चर्चा हुई। प्रतिपक्ष ने राज्य में बिजली की कमी के लिए सरकार के कुप्रबंध को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा भाजपा विधायक इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में छाए बिजली संकट पर सदन में तथ्यों के आधार पर सार्थक चर्चा देखने को मिली। राज्य में इन दिनों कोयले की कमी से थर्मल बिजली घर की कई यूनिट बंद पड़ी हैं। बिजली की स्थिति पर विचार करने के दौरान भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह बाली ने केंद्र की बिजली योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का समय पर उपयोग नहीं करने पर सरकार को आड़े हाथ लिया। भाजपा विधायक ने कहा, छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से खनन करने के लिए हर स्तर पर अनुमति मिली हुई है, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार राजस्थान को कोयला निकालने नहीं दे रही है। ये मामला केंद्र का नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ा है, जो जनहित के मामले में भी राजनीति कर रही है। बहस के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री और खेतड़ी से विधायक जितेंद्र सिंह ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बिजली कंपनियों के 90,000 करोड़ रुपए के घाटे को माफ करने की मोदी सरकार से गुहार लगाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोलर से बिजली उत्पादन के मामले में आज राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। फुलेरा से भाजपा विधायक निर्मल कुमावत ने बिजली से जुड़े मामलों में सरकार को घेरा। कुमावत ने कहा, किसानों से कृषि कनेक्शन के नाम लाखों रुपया बिजली विभाग ने ले लिया है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बिजली चोरी के मामले में VCR भरने के मामले में कुमावत ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी पर सीधा हमला बोला। फुलेरा विधायक ने विभाग के अफसरों पर सवाल उठाते हुए विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान खींचा। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने अपने विचार रखे। इस मामले में ऊर्जा मंत्री भाटी ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।